अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा विज़िट था मरी का, तो मैंने कहा क्यों नहीं कि आपके साथ ही वीडियो शेयर की जाए, आप भी इंजॉय कर लें घर बैठे बैठे। वीडियो कंप्लीट देखनी है आपको, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत प्यारी वीडियो है इंशाल्लाह। तो ये हम रवाना हो चुके हैं मरी की तरफ, क्योंकि यकीन करें कि कुछ फ्रेंड्स जो थे उन्होंने मुझे कहा है कि आज वहाँ स्नोफॉल शुरू है तो मौसम बहुत प्यारा है मरी का। तो मैंने कहा क्यों नहीं कि मैं जाके वहाँ व्लॉग भी बना लूँगा और आपके साथ ही वीडियो भी शेयर कर लूँगा। आप घर बैठे बैठे जो है ये वीडियो देखेंगे, इंजॉय करेंगे, आपको काफ़ी मज़ा आएगा, आप फील भी कर सकते हैं मौसम को। तो ये है, इस टाइम हम पहुँचे हैं बाराकऊ के बिल्कुल करीब। तो ये सूरत हाल आप देख रहे होंगे, बाराकऊ है इस्लामाबाद। तो ये बाज़ार की लोकेशन से हम अभी गुज़र रहे हैं। जैसे कि आपको पता है यहाँ मंसूबा शुरू है शहबाज शरीफ की तरफ से, उन्होंने मेट्रो का मंसूबा यहाँ स्टार्ट किया है। तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी रोड पे काम शुरू है, तो इस वजह से काफ़ी आगे रश भी बना हुआ है, क्योंकि आपको पता है एक साइड उन्होंने बंद की हुई है। ये आप देख सकते हैं रोड पर काम शुरू है। काफ़ी ट्रैफिक जो है आधी हाफ इस तरफ होगी हाफ उस तरफ होगी है, क्योंकि काफ़ी रोड जो है दरमियान से उसमें काम जा रही है, तो इस वजह से सूरत हाल आप वीडियो में देख सकते हैं। माशाल्लाह से ये जो मेट्रो होगी ये डायरेक्ट मरी रोड के साथ टच होगी, बहुत प्यारा मंसूबा है, यकीन करें कि इनके लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा। जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ रहते हैं, उनके लिए ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा कि अगर वो यहाँ से जो है ना जाते हैं पिंडी की तरफ, मरी रोड डायरेक्ट इनके साथ टच हो जाएगा। ये सूरत हाल आपके सामने आप देख सकते हैं। मुझे तो बस ये है कि मैं कहता हूँ जल्द से जल्द पहुँचूँ, क्योंकि यकीन करें वहाँ का जो मौसम है, मैं उसके हवाले से यकीन करें मुझे बड़ा इंजॉय, अंदरूनी जो है बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं बड़ी पसंद करता हूँ बर्फ़ को। काफ़ी रोड जो है काफ़ी जगह तक काम जारी है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये कंप्लीट हो जाएगा, हमारे लिए भी बेस्ट है और यहाँ की आवाम जो है, जो यहाँ की रहशी है उनके लिए भी बेस्ट है, उनके लिए भी इजी हो जाएगा। अगर वो किधर भी जाते हैं तो वो इजीली जा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि आपको पता है पंजाब में सबसे बेस्ट जो ये सहूलत दी गई है मेट्रो की, बहुत बेस्ट है। यकीन करें कि काफ़ी जो हैं बच्चे हैं जो स्कूल पढ़ते हैं या जो कॉलेज जाते हैं या जो जॉब्स के लिए जाते हैं, तो उनके लिए ज़्यादातर ये बेस्ट हो जाता है। आपको पता है 30 रुपीज़ में आप जो है जो सफ़र इसमें 30 में हो जाता है, अगर वो आप किसी टैक्सी में करते हैं या किसी भी लोकल चीज़ में जाते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, काफ़ी आपका किराया लग सकता है, लेकिन इसमें ईज़िली आप जो है 30 रुपीज़ में इस्लामाबाद के लास्ट स्टेशन तक जा सकते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे, ये यकीन करें कि मैं आपको बता रहा हूँ मौसम के हवाले से, अभी तो यहाँ काफ़ी हवाएँ ठंडी हैं लेकिन धूप भी निकली हुई है। तो बस यकीन करें कि बस बड़ा मज़ा आने वाला है, बस इंशाल्लाह हम करीब होते क्यों ना ये बूझे में देख के दिन बूझू था, पूरा ग्रुप बैठे थे, मैं आया चलो ना कोई थोड़ा सा डांस हो जोले, यकीन करें बड़ा मज़ा आ जोले। तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों से, कहते हो बाहों में आ जाओ, धड़कन में खो जाओ। ओए तुम दिल की धड़कन में रहते हो दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है। तो जिंजू की तुसी देखते हो पे मरीदा बोर्ड तो सा नज़र आता, उसी की अच्छी मस्ती बिच आहा आहा आहा
कब तक जवानी छपाओगी रानी, कवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसकी दुल्हनिया बनोगी, गी 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 मुझसे शादी करोगी, तिणिणिणिणी मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, तिणिणिणिणी मुझसे शादी करोगी, झुमका दिलाऊंगा साइकिल में लाऊंगा ऑटो दिखाऊंगा तेरी कसम, ये मर्री की दुनिया में तुझसे तो मौसम तो आपको पता चल रहा होगा, वीडियो में आप देख सकते हैं आसमान के नज़ारे बदलते जा रहे हैं, ये मरी पे हम टक्कर खा चुके हैं, ये मरी के अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है। मौसम है आशिकाना, तो बर्फ़ भी आप देख रहे होंगे साइड पे, काफ़ी बर्फ़ पड़ी है, तो बस जितना जितना आगे जाते जाएंगे यकीन करें कि मौसम रंगीन होता जाएगा और बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, स्नोफॉल मुझे लगता है शुरू है मुझसे, तो मैं आपको क्या बताऊँ, का सबसे अच्छा आने वाली है, चस हुई ठंडी हवाएं मेरी तो छाती पे लग रही है, मेरे चेहरे पे यकीन करें मेरी नोज़ी तो अब दिसी उड़ने वाली है, क्या करें, ओए 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 सांस मेरी ठंडी हो चुकी है यकीन करें, बहुत सुकून मिलता जा रहा है, ओए होए 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 आँखों की गुस्ताखियाँ माफ़ हो, एक पल तुझे देखती है, आहा ये देखें लेडीज़ जो है चादरें भी यहाँ मिलती हैं काफ़ी ज़बरदस्त प्रिंट की जो इधर स्पेशल बनाई जाती हैं, तो बहुत प्यारे प्रिंट इस पे होते हैं, तो और दूसरा आप वीडियो में देख सकते हैं यकीन करें कि काफ़ी बर्फ़ जो है इस दफ़ा स्नोफॉल काफ़ी ज़बरदस्त हुई है और मौसम बहुत ठंडा है इधर का, ज़रूर आएँ क्योंकि यकीन करें कि आप फैमिली के साथ आएंगे काफ़ी इंजॉय कर सकेंगे, अगर फ्रेंड्स भी साथ साथ आते हैं वो भी ज़्यादा बेस्ट है, तो जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे ज़रूर यहाँ विज़िट करें। मरी के मौसम के हवाले से आपको मैं वीडियो में बताता जा रहा हूँ, बहुत मज़ा आया मुझे तो, बड़ा सुकून मिल रहा है, अभी आगे देखते जाएँ आगे क्या क्या होगा। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी से। तो ये बिल्कुल हम मॉल रोड के करीब करीब हो चुके हैं, ये चढ़ाई जो है आपको माशाल्लाह आपने विज़िट किया भी होगा, आप आए होंगे, तो ये हम बिल्कुल करीब पहुंचते जा रहे हैं मॉल रोड के, तो यहाँ बाज़ार की सूरत हाल भी आप देख सकते हैं, ज़्यादातर शॉप्स जो हैं अभी बंद हैं और ज़्यादातर ओपन होने वाली हैं, क्योंकि अभी ज़्यादातर इधर का जो मज़ा आने वाला है वो ये है, आपको पता है यहाँ का जो है तिक्का हो गया, उसके अलावा काफ़ी जो है होटल जो चीज़ें यहाँ गर्म मिलती हैं खाने में, बहुत मज़ा आता है यकीन करें, मुझे तो अभी से भूख लग रही है, इंशाल्लाह मैंने ख़ुद भी जाना है किसी होटल में जाके, वहाँ मैंने पेट की जो है प्यास को बुझाना है, यकीन करें कि बस या वीडियो में जो देख रहे हैं यकीन करें कि वीडियो वो चीज़ आपको नहीं बता सकती, जो आप सामने आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा यकीन करें, जो आइज़ जो होती हैं ना वो जो देख रही हैं वो जो समझती हैं वो कोई भी नहीं देख सकता, मेरी आँखों के अंदर जो लेंस लगा हुआ है उसका नज़ारा ही अलग है, और रोड जो है मुझे लगता है थोड़ा सा स्लिप है यहाँ, बहुत एहतियात से आना पड़े, आप कोशिश ये करें क्योंकि आप अपनी एक जान नहीं होती, आपके साथ फैमिली भी होती है फ्रेंड्स होते हैं, तो आपने कोशिश यही करना है ड्राइव आपने बहुत आहिस्ता आहिस्ता बहुत मोहब्बत से करनी है, क्योंकि थोड़ी सी आपकी मिस्टेक से किसी की जान को भी नुकसान हो सकता है, आपकी जान को भी नुकसान हो सकता है, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है आपने, अपना भी और दूसरों का भी। आँखों में गर्मी तेरी, होंठों पे तेरे नशा, चाहूँगा तुझको मगर दिल का है यही नशा, मोहब्बत की नहीं है मोहब्बत हो गई है, अब डरना भी क्या, ओह ओह
यकीन करें जितना जितना पास पहुंचते जा रहे हैं माल रोड के, बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि आपको पता है जितना हाइट पे जाएंगे, जितनी जितनी हाइट पे आप जाते जाएंगे उतनी बर्फ़ ज़्यादा होती जाती है, और बहुत ज़्यादा सर्दी है, मेरी सोच से भी ज़्यादा सर्दी है, क्योंकि यकीन करें मुझे इतना, लेकिन चलो फिर भी मैंने अच्छा किया, मैंने अपने साथ गर्म चीज़ों का काफ़ी इंतज़ाम किया था, मेरे दिल को फिर भी सुकून है। लेकिन जो मेरे साथ आए हैं मुझे लगता है उनको ठंड लग रही है, लेकिन चलो ठंड का इलाज भी है, इधर गरम गरम जो चाय मिलती है, कॉफ़ी मिलती है, उससे आपका जिस्म गरम हो सकता है। तो हम अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट यही करेंगे, जैसे मैं वहाँ पहुँच जाऊँ मैं तो डायरेक्ट पहले खाने का, उसके बाद गरम गरम चाय का, उसके बाद फिर आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा, क्योंकि सर्दी का इलाज क्या है, कॉफ़ी और गरम गरम चाय। और सबसे मज़े की बात ये है दोस्तों, मेरे भाइयों मेरी बहनों, असल बात ये आपको बतानी थी कि मरी के जो ख़ास दिन होते हैं वो आप नोट करके तो उसी दिन पे आप विज़िट किया करें। अगर आप अच्छा एंजॉय करना चाहते हैं, फैमिली के साथ ख़ुद एंजॉय करना चाहते हैं, तो बेस्ट जो दिन होते हैं वो आपने देखने हैं यूट्यूब में, उसके अलावा गूगल्स पर चेक कर सकते हैं, उसके अलावा काफ़ी और ऐसे ऐप्स हैं वहाँ आप चेक कर सकते हैं मौसम के लिहाज से, फिर आप विज़िट करें। अगर यहाँ का मौसम फिट है, यहाँ बर्फ़ हुई हुई है, यहाँ स्नो फॉल शुरू है, या इस हवाले से जो भी है, तो आप ज़रूर फिर आएँ, क्योंकि आप ज़्यादा मज़ा और ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आते हैं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब इधर की आबो हवा, इधर का मौसम बहुत ज़बरदस्त रहता है, क्योंकि मरी जो है हाइट पे है और काफ़ी ग्रीन है, तो ग्रीन के हवाले से जो है ये जो है ठंडी रहती है, तो आप किसी दिन पर भी आ सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ, तो ये मॉल रोड होटल के सामने पर मैं पहुंच चुका हूँ, तो यहाँ मेरे जो फ्रेंड्स हैं काफ़ी मुझे मिले हैं, वो कहते हैं कि हम आपकी वीडियोस यूट्यूब पे देखते हैं, हम आपको काफ़ी पसंद करते हैं, आपकी वीडियो काफ़ी इंजॉयमेंट होती हैं और काफ़ी जो है चिल मूड में आप रहते हैं, तो आपसे मिल के काफ़ी हमें खुशी हुई। यकीन करें मैंने भी इनको बोला है, मुझे ख़ुद भी बहुत अच्छा लगे जब मेरे फ्रेंड कोई भी मुझे कहाँ भी मिलते हैं, जब मुझसे तारीफ़ करते हैं, कहते हैं कि यार आपकी वीडियो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, तो मेरा दिल बहुत खुश होता है। मैं काफ़ी आगे फिर और भी नेक्स्ट मेहनत करता हूँ, मैं कहता हूँ क्योंकि अगर आपकी खुशी उसमें मेरी खुशी, क्यों अगर आप नहीं खुश होंगे तो फिर मज़ा नहीं आता। तो ये है कि बस इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त मुझसे गपशप लगाई है, इन्होंने कहा है कि आप ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो बनाया करें फ़नी, तो हम भी देखते हैं, हमारी फैमिली भी देखती है, हम काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं, इनके साथ मैंने छोटा मोटा डांस सा भी किया। तो जैसे कि मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था भूख के हवाले से, यकीन करें कि मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है, गरम गरम खाना मेरे सामने पहुंच चुका है, गरम चाय, गरम गरम रोटी और गरम गरम चिकन। यकीन करें मैंने उसके अंदर नींबू डाल के अभी मैं चिल करने वाला हूँ, बस यकीन करने टाइम ओए बहुत चटपटा और बहुत। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे होंगे मुझे DSLR वाला मिला, मुझे कहता है कि आपकी पिक्स निकाल दूंगा, मैंने कहा क्यों नहीं, तो उन्होंने फिट सी मेरी पिक्स निकाली, कुछ वीडियोस बनाई, तो उनके साथ मेरी बात ज़बरदस्त हो गई। और दूसरा ये होटल के सामने मौसम भी बड़ा फिट था, मैंने रिजल्ट भी चेक किया, मुझे पसंद आया, मैंने उसी टाइम उनसे पिक्स पॉक की करवा। ओए होए 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 क्या बताऊँ आपको, हाय 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 देखा तुझे तो हो गई दीवानी। आप ज़रूर आएँ, ज़रूर आएँ, ज़रूर आएँ, मैं तो यही कहूँगा कि यकीन करें मैं आपको बता नहीं सकता, आप मेरी बातों को समझ नहीं सकते, आप वीडियो को देख के नहीं समझ सकते, आप यही है कि आप ख़ुद आएंगे तो फिर आपको ये मज़ा और ये चीज़। जवानी छोड़ शादी करो जैसे कि आप देख रहे हैं बर्फ़ में, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत कूल ज़बरदस्त, यकीन करें यहाँ जो है रेड कलर के फूल मैंने पहले गिराए हैं, उसके बाद मैंने काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ शूट किया है, मैंने टिकटॉक वीडियोस काफ़ी बनाई हैं और बहुत ज़बरदस्त वीडियोस मेरी यहाँ शूट हुई हैं, तो बड़ा मज़ा आया है, आप ज़रूर आएँ इंशाल्लाह।
ये हंसी वादियाँ आ गए हम कहाँ। ये चीज़ मेरे अजीज यकीन करें कि जो WW का जो ये लोग था, ये अभी मैं उठाऊँ फिर अब ये देखना है, ये एक दो तीन, ये चीज़ यकीन करें बहुत मज़ा आया, यकीन करें बहुत सको। अब ये ऐसा ये तो ये ट्राई आप ज़रूर करें, आप ज़रूर आएँ। ये तीन दफ़ा आपने यहाँ से उड़ के बताना है। नायक नहीं, एक तो इन्होंने मुझे काफ़ी कंफ्यूज किया, कभी कहते हैं तस्वीर निकालें, कभी कहते हैं वीडियो निकालें। यकीन करें मुझे बहुत डिस्टर्ब इन्होंने किया, मुझे समझ नहीं आती कि कर क्या रहे हैं। तो अभी मुझे लगता है वीडियो बना रहे हैं, यही मुझे लग रहा है। फिर मुझे उठाया, फिर मैं बैठ गया हूँ, फिर मैं लेट गया हूँ। मुझे प्लीज़ थोड़ा सा छोड़ें, तो मुझे पता तो चले आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं। इन्होंने मुझे कुछ अभी चले सुकून की सांस मैं ले लेता हूँ। बहुत ठंडी ठंडी सांसें मुझे आ रही हैं, क्योंकि बर्फ़ के हवाले से मैं आपको क्या बताऊँ। दिल कहता है मैं इधर ही सोया रहूं। यकीन करें गर्मियों में जो मज़ा आता है बर्फ़ का, आप सोच भी नहीं सकते। ओहो ज़बरदस्त, बहुत एंड मौसम है, एंड मौसम। स्नोफॉल काफ़ी ज़बरदस्त फ्रेश हुई है, अभी जो है रात को यहाँ फिर शुरू हो जाएगी। ये मैंने गोला बनाया है, मैंने कहा क्यों नहीं थोड़ा सा गोलों के साथ खेला जाए। ये गोला भी तैयार हो गया है, या किसी पे गिराना है या उड़ाना है, कोई ना कोई छिल का मूड करेंगे। काफ़ी फूल आप देख रहे होंगे, बिल्कुल फ्रेश फूल मैं अपने साथ लेके आया था, क्योंकि काफ़ी शूट्स थे मेरे यहाँ, तो शूट्स के लिए मैंने यहाँ फूल जो है हवा में उड़ाए और बर्फ़ पर गिराए। इसे कहते हैं वाओ 3D। यकीन करें इसमें भी काफ़ी मुझे मज़ा आया बैठ के। ओए ये इसके ऊपर जो मुझे मज़ा आया, यकीन करें आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बर्फ़ में चलाने का, इसको उड़ाने का अपने ही एक मज़ा है। एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए यकीन करें बंदा हिला रह जाता है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा हूँ मरी के हाइट पे, क्योंकि टाइम भी आहिस्ता आहिस्ता ढलता जा रहा है। क्यों नहीं कि बस मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता वापसी की भी तैयारी करनी है। तो काफ़ी फैमिलीज़ आ रही हैं इस टाइम भी, और कुछ जो है वापस जा रही हैं। तो ये अभी मैं हाइट पे जब आया हूँ बर्फ़ है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सी बर्फ़ को साइड पे कर दें। ये बर्फ़ को उठा के थोड़ा सा साइड पे करते हैं, क्योंकि काफ़ी जो है आगे रास्ता बंद हुआ है। लेकिन बड़ा मज़ा है, यकीन करें देसी माहौल बन चुका है ये। तो यहाँ के हवाले से मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मुझे इनकी समझ नहीं आ रही, कोई ऐसी बात कर जाते हैं मेरे फ्रेंड्स की, यकीन करें मुझे हंसी आ जाती है, मुझे हंसते हंसाने के लिए बस कर जाओ यार। तो जैसे कि यहाँ मेरे शूट्स हुए हैं, काफ़ी ज़बरदस्त शूट्स इन्होंने किए हैं मेरी, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, काफ़ी ज़बरदस्त पिक्स क्लिक की हैं, तो बहुत मज़ा आया है मुझे। तो बस ये एंड है बस इंशाल्लाह। बस काफ़ी लेट भी हो रहा था, मैंने कहा चले क्यों नहीं कि बस ये लास्ट टाइम है, थोड़ा सा एंजॉय कर लूँ। ये देख सकते हैं आप, हर एक गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, करेंगे न शिकवा। तो ये टाइम हो गया, काफ़ी लास्ट टाइम था ये, देखें इस टाइम बहुत मज़ा आया। मैंने कॉफ़ी भी पी, उसके बाद मैंने बस कहा कि जाने का टाइम भी पूरा हो गया। सर्दी बहुत एंड सर्दी है, बहुत ज़्यादा है। आएँ अगर फैमिली के साथ आते हैं, खुद आते हैं, कंप्लीट अपने आप को गर्म करके आना है। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। ओके।